926 क्वेश्चन है हमारा, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म वुड बी। इन्होंने सवाल पूछा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी भी फर्म के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अगर कोई फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है, तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा किसी प्रोडक्ट का वो क्या होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन हाईली इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन हाईली इन इलास्टिक और चौथा ऑप्शन जीरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म वुड बी हाईली इलास्टिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 927 क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म विल बी वेरी लो और जीरो अंडर। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म, सिंगल फर्म का मतलब आप समझते हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली। मोनोपोली सिंगल प्रोड्यूसर होता है, सिंगल सेलर होता है, ठीक है, और सिंगल फर्म भी होता है। इन्होंने बोला बहुत कम होता है या जीरो होता है, अंडर विच। तो जैसे मैंने बोला मोनोपोली, तो मोनोपोली इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और किसी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, आप अगर क्वेश्चन समझ जाते हैं तो जैसे ही आपको आंसर मिले टिक कर दीजिए, सेकंड थॉट में आप आंसर चेंज कर दोगे, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रीड करते ही हमारे दिमाग में आंसर क्लिक करता है, तो जो आंसर क्लिक करे वो ऑप्शन में तुरंत आप उसे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, सोचिए नहीं, वरना फिर बाद में कंफ्यूजन होगा और इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 928 क्वेश्चन है हमारा, एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ। इन चारों, मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां पे हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है। वी आर फोर ऑप्शन, पहला ऑप्शन बफे कॉम्पिटिशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन, पहली बात तो परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं होती, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज जस्ट लाइक अ बेंचमार्क। देखिए बिजनेस कंपटीशन को ना, मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है उसे बेसिकली हम पढ़ते हैं, जिसमें मोनोपोली, ओलिगोपोली, डीओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारी चीजें आती हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। तो इन्होंने जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन द केस ऑफ ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 929 क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट फॉर्म कैरेक्टराइज बाय सिंगल बायर। देखिए यहां पे सवाल पूछ रहे हैं कैरेक्टराइज बाय सिंगल बायर, सिर्फ सिंगल बायर की बात की जा रही है। आपको एक ऐसा मार्केट फॉर्म बताना है जहां पे एक इकलौता बायर हो, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन यूनिलेटरल मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन बायलेटरल मोनोपोली और चौथा ऑप्शन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोपोली की तो ये बिल्कुल गलत जवाब है, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। बात करें बायलेटरल मोनोपोली तो बायलेटरल मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर एज वेल एज सिंगल बायर, ठीक है। इन्होंने बस सवाल ये पूछा है कि वो कौन सा मार्केट फॉर्म है जहां सिंगल बायर होता है, तो मैं आपको बताऊं उस मार्केट फॉर्म को कहते हैं मोनोपसोनी, और यहां पे मोनोपसोनी नहीं दिया है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे इसे कंसिडर किया जाता है यूनिलैटरल मोनोपोली, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, इवन मुझे भी कुछ समय पहले तक जानकारी नहीं थी, मैं मोनोपसोनी ही पढ़ता आ रहा था। लेकिन जहां ऑप्शन में आपको मोनोपसोनी नहीं मिलेगा वहां पे आपको क्या टिक करना है, यूनिलेटरल मोनोपोली, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 930 क्वेश्चन है हमारा, मोनोपसोनी इज अ मार्केट फॉर्म इन विच देयर इज एन आर। इन्होंने बोला है कि मोनोपसोनी एक मार्केट फॉर्म है जहां पे इज और आर, सवाल पूछा जा रहा है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन ओनली सिंगल सेलर, देखिए ओनली सिंगल सेलर तो मोनोपोली होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ओनली टू सेलर्स, तीसरा ऑप्शन है सिंगल सेलर विद सिंगल बायर और चौथा ऑप्शन है सिंगल बायर। तो अभी पिछला क्वेश्चन भी यही था ना, मोनोपसोनी वाला या यूनिलेटरल मोनोपोली वाला, तो
मोनोपसोनी और यूनिलेटरल मोनोपोली एक ही चीज है जहां पे सिंगल बायर होता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 931 क्वेश्चन है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. इन चारों में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का. ठीक है, वी आर फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन हमारा लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्रुप इक्विलिब्रियम और चौथा ऑप्शन है हमारा आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 932 क्वेश्चन है हमारा. एक्सेस कैपेसिटी इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर. इन्होंने बोला है कि इन चारों मार्केट फॉर्म में कौन सा ऐसा मार्केट फॉर्म है जहां पे एक्सेस कैपेसिटी एक प्रोमिनेंट फीचर है. ठीक है, वी आर फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा ऑप्शन है मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और चौथा ऑप्शन है ओलिगोपोली. इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्सेस कैपेसिटी इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 933 क्वेश्चन है हमारा. डिफरेंट फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स अंडर. अलग अलग फर्म्स चार्ज अलग अलग प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, डिफरेंट फर्म्स चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स अंडर. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डिफरेंट फर्म्स चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 934 क्वेश्चन है हमारा. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ. ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि अ फर्म कैन प्रोड्यूस, जो फर्म प्रोड्यूस करता है वो किसके साथ प्रोड्यूस करता है. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एन ऑप्टिमम प्लांट, दूसरा ऑप्शन एन ऑप्टिमम आउटपुट, तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट और चौथा ऑप्शन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ एन ऑप्टिमम प्लांट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 935 क्वेश्चन है हमारा. अ सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन बोलते हैं, सिचुएशन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप समझिए भावनाओं को. हम सिचुएशन ही बोलेंगे. ठीक है, अ सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ कंपीटिंग फर्म्स इज रिलेटिवली स्मॉल इज नोन एज. वो सिचुएशन बताइए. ठीक है भैया, वो सिचुएशन बताइए जहां पे विच द नंबर ऑफ कंपीटिंग फर्म्स इज रिलेटिवली स्मॉल. जहां पे जो कंपटीशन फर्म कर रहे हैं ना, आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, उनका नंबर बहुत कम है. आपको ऐसा मार्केट फॉर्म बताना है जहां पे बहुत कम सेलर्स हैं, आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं. सिंपल. ठीक है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं. वी आर फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन मोनोपोली. नहीं भैया, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है. डिओपोली में दो सेलर्स होते हैं. मोनोपसोनी में सिंगल बायर होता है. और ओलिगोपोली इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर, डिओपोली का मतलब दो दो सेलर, मोनोपसोनी मतलब सिंगल बायर, ओलिगोपोली मतलब थोड़े मगर लार्ज सेलर्स, मतलब देर आर फ्यू सेलर्स बट ह्यूज सेलर्स, दे आर द बिग सेलर्स. ठीक है, और उन सबने मिलकर के पूरे मार्केट के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है. मतलब ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं बट लार्ज सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला प्रश्न 930 और क्वेश्चन है हमारा. द फर्म अंडर सीवियर प्रेशर, मतलब एक फर्म है जिस जो बहुत सीवियर प्रेशर में, टू कीप देयर कॉस्ट लो अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय. एक फर्म है जिसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि उनको अपनी जो कॉस्ट है ना वो कम से कम रखनी है. समझ रहे हैं भाई, उनको अपनी कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं लागत. उन्हें अपनी लागत कम से कम रखनी है. एक ऐसा फर्म, ठीक है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है. इस सिचुएशन को क्या कहते हैं. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और चौथा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी,
स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, क्या है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. द फर्म अंडर सीवियर प्रेशर टू कीप देयर कॉस्ट लो, अ सिचुएशन कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन. तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, तो फर्म्स क्या करते हैं कि अपने कॉस्ट, देखिए फर्म सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, फर्म ज्यादा प्रॉफिट अपनी कॉस्ट को कट करके अर्न करता है. प्राइसेस बढ़ाने से फर्म कभी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता. रीजन, अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ा दिए ना, तो जो वर्कर्स होते हैं ना, वो ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी. तो कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्राइसेस सेम रखते हैं, लेकिन अपनी कॉस्ट कम कर देते हैं. मतलब चार मैनेजर में से दो को निकाल देते हैं, दो से पूरा काम कराते हैं, दो की सैलरी बच गई ना. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 937 क्वेश्चन है हमारा. इफ प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम, अगर प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम है, ठीक है, देन डिमांड कर्व मस्ट बी. तो जो डिमांड कर्व होगा वो किस तरीके का डिमांड कर्व होगा. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक एंड हॉरिजॉन्टल. दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक एंड वर्टिकल. तीसरा ऑप्शन परफेक्टली इन इलास्टिक एंड हॉरिजॉन्टल. और चौथा ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक ऑनली. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफ प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम देन द डिमांड कर्व मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक एंड हॉरिजॉन्टल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 938 क्वेश्चन है हमारा. इट कैन सेल एज मच एज इट वॉन्ट्स एट द मार्केट प्राइस इज रिलेटेड टू. चार मार्केट के नाम नीचे मतलब फॉर्म्स बताए गए हैं और कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा मार्केट फॉर्म है या मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे जो मार्केट स्ट्रक्चर के जो फॉर्म्स होते हैं वो मार्केट प्राइस पे जितना ज्यादा बेच सकते हैं बेचते हैं. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. दूसरा ऑप्शन मोनोपोली. तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली. और चौथा ऑप्शन मोनोपोली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट कैन सेल एज मच एज इट वॉन्ट्स एट द मार्केट प्राइस इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी ओलिगोपोली. मार्केट प्राइस पे जितना ज्यादा बेच सकते हो बेचो, हमको कोई लेना देना नहीं है, टैक्स तुमको भरना पड़ेगा. दिस इज ओलिगोपोली. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 939 क्वेश्चन है हमारा. इक्वेटिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू द कॉम्पिटिटिव फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स इन. इन्होंने कहा कि अगर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को अगर इक्वेट कर दिया जाए तो जो कॉम्पिटिटिव फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कब तक कर सकते हैं. ठीक है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन वी हैव ऑप्शन. पहला ऑप्शन इन द लॉन्ग रन. दूसरा ऑप्शन इन द शॉर्ट रन. तीसरा ऑप्शन द मार्केट पीरियड. और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस प्रश्न का सही उत्तर है इन द लॉन्ग रन. ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 940 ठीक है. क्वेश्चन है हमारा When demand rises and the supply also rises, जब demand increase कर रहा है मतलब demand बढ़ रहा है और साथ ही साथ supply भी बढ़ रहा है, the equilibrium price becomes, तो जो equilibrium price होगा वो क्या हो जाएगा. ठीक है, पहला option determinate, दूसरा option consistent, तीसरा option determinable और चौथा option none of these. इस प्रश्न का सही उत्तर है option B consistent. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. सवाल ये पूछ रहे थे कि जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 941 ठीक है. सिगरेट इंडस्ट्रीज मस्ट क्लोजली रिलेट टू, जो धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है ना, वो वाली जो इंडस्ट्री होती है, मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड टू. वो क्लोजली किससे रिलेटेड है. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल. दूसरा ऑप्शन इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल. तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक मार्केट. और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 942 क्वेश्चन है हमारा. चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर अ प्रोडक्ट इज नोन एज. अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करना, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना इज नोन एज वॉट. वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन प्राइस डिटर्मिनेशन. दूसरा ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तीसरा ऑप्शन प्राइस चार्जिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. और चौथा ऑप्शन प्राइस एंड आउटपुट फिक्सेशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है
charging different prices in different markets for a product is known as price discrimination. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 943 क्वेश्चन है हमारा. अ सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाउन और सिटी मींस, एक जो सिंगल सेलर है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर टाउन और सिटी में, इसका मतलब बताइए. सिंगल सेलर की बात कर रहा है, ठीक है. बायर नहीं, बायर होता तो मोनोपसोनी हो जाता. सिंगल बायर का मतलब मोनोसोनी मोनोपसोनी होता है. ऑप्शन ए, सिंगल बायर का मतलब मोनोपसोनी या क्या होता है, या होता है यूनिलेटरल मोनोपोली. सिंगल बायर, यूनिलेटरल मोनोपोली या मोनोपसोनी. परफेक्ट कॉम्पिटिशन दूसरा ऑप्शन, मोनोपोली तीसरा ऑप्शन, और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन चौथा ऑप्शन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाउन और अ पर्टिकुलर सिटी मीन्स ऑप्शन सी, मोनोपोली. अरे पूरे एरिया में इकलौता ही है ना, तो मोनोपोली हो गया ना. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कह रहे सिंगल सेलर, तो मोनोपोली ऑप्शन है. और मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ठीक है. और मोनोपसोनी का मतलब सिंगल बायर, सेलर की तो बात ही नहीं हो रही है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 944 क्वेश्चन है हमारा. इफ अ टेबल शोज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, वन कैन कैलकुलेट. इन्होंने बोला कि एक टेबल शो कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना आपने यूनिट प्रोड्यूस किया, एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, और हर यूनिट का एवरेज कॉस्ट. आप इनमें से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है, ठीक है. आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं. आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट फ्रॉम देयर, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट टोटल कॉस्ट. इट मीन्स यू कैन कैलकुलेट एनी ऑफ द अबव और ऑल थ्री ऑफ द अबव. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 945 क्वेश्चन है हमारा. द फर्म विच मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज, उस फर्म के बारे में बताइए जो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है. वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन नॉर्मल फर्म, दूसरा ऑप्शन एफिशिएंट फर्म, तीसरा ऑप्शन एवरेज फर्म, चौथा ऑप्शन मार्जिनल फर्म. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्म विच मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज मार्जिनल फर्म्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 946 क्वेश्चन है हमारा. द एवरेज प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज द डिफरेंस बिटवीन, जो एवरेज प्रॉफिट है वो किन दो चीजों का डिफरेंस है, आपको बताना है दो चीज का डिफरेंस, तो आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू. भैया मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से एवरेज कहां से आएगा, आपका एवरेज में से एवरेज माइनस करेंगे तो आपका एवरेज आएगा. समझ गए, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, तो आपको एवरेज में से एवरेज, तो यहां एवरेज और मार्जिनल नहीं आएगा, एवरेज से मार्जिनल नहीं आएगा, मार्जिनल से मार्जिनल नहीं आएगा. एवरेज कॉस्ट में से जब आप एवरेज रेवेन्यू को माइनस करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा. समझ रहे हैं, वैसे एवरेज रेवेन्यू में से माइनस होगा, एवरेज रेवेन्यू बड़ा होता है और उसके बाद उससे छोटा होता है एवरेज कॉस्ट, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब एक हिसाब से ये सेलिंग प्राइस है, इतना आपको इनकम जनरेट हो रहा है. और बेसिकली अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की परिभाषा ये होती है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है. रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. जिस होप की जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, मैं नीचे लिख करके समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो, ठीक है, आप यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हो. क्वेश्चन 947 क्वेश्चन है हमारा. द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इज एट अ मैक्सिमम, ठीक है. जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वेरिएबल का वो मैक्सिमम पे है. वेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो है ना आउटपुट की वो क्या होगी. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एट मिनिमम, दूसरा ऑप्शन एट मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन एट नॉर्मल पॉइंट, और चौथा ऑप्शन जीरो. इस प्रश्न का सही उत्तर है द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इज एट मैक्सिमम वेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज एट मिनिमम. ऑप्शन ए इज द सही और सटीक आंसर, ठीक है. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 948 क्वेश्चन है हमारा. द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लैंड इज, प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, सबको टोटल कर दीजिए, तो जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना लैंड की वो क्या होती है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन यूनिटरी इलास्टिक, और चौथा ऑप्शन हाईली इलास्टिक. तो लैंड जो होता है ना
जमीन धरती, धरती माँ ये क्या होती है बताइए? इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। भैया बढ़ थोड़ी जाती है, हैं? बढ़ जाती तो मैं अपना कमरा बड़ा ना कर लेता। द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। हम लैंड के साइज को बड़ा नहीं कर सकते, जितना नेचर ने हमें दिया है उतना ही रख सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बड़े बड़े देश लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र में आइलैंड्स बना ले रहे हैं, वो बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शनल कंडीशन है, हम लोग नहीं कर सकते ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 949 क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन फैक्टर मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर मार्केट में जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, अ वेरिएबल फैक्टर इज डिमांडेड अप टू पॉइंट वेयर। एक वेरिएबल फैक्टर कब तक, किस पॉइंट तक डिमांड किया जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर मार्केट में? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एमआरपी इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस। एमआरपी मतलब, एमआरपी मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। एमआरपी का फुल फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। एमआरपी का फुल फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एमआरपी एक तो मैक्स रिटेल प्राइस भी होता है और कई बार ये पढ़ने को मिलता भी नहीं है, कॉमन नहीं है उतना एमआरपी। तो मैं बता रहा हूँ मैक्स रिटेल प्राइस नहीं है यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस। दूसरा कह रहे हैं एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस। तीसरा कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। और चौथा कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 950 है, 950 क्वेश्चन कर लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 950 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली अब तक के सारे वीडियोस में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी ऑल्सो, बहुत मेहनत करते हैं जी। अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ बेनिफिट आपको मिला हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज, और हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पंखा बंद कर करके रिकॉर्डिंग करना पड़ता है ताकि आवाज क्लियर पहुंचे आपके पास तक, बहुत गर्मी है क्या बताएं। चलिए ठीक है, अगर लगे कि बेनिफिशियल है तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब बकैती के लिए माफ कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा आजकल हम हो रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन में हालत खराब होगी यार, क्या करें। वाइल एनालाइजिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लार्क गेव मोर एम्फेसिस टू, इन्होंने बोला वाइल एनालाइजिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करते वक्त क्लार्क ने किस पे एम्फेसाइज ज्यादा किया। एम्फेसाइज करने का मतलब आप समझते हैं ना, किस चीज पे ज्यादा जोर दिया, मतलब प्रेशराइज किया, या किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। वी हैव फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन डिमांड फॉर फैक्टर्स, दूसरा ऑप्शन सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिमांड फॉर फैक्टर्स पे क्लार्क ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया। क्वेश्चन नंबर 9।